हेलो दोस्तों, फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 3000 के अप्रोक्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस हमें फ्यूचर में 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका प्राइस हमें 7500 रुपये के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला, और वहां से इस स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट शो किया था, जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें 3500 के अप्रोक्स में भी आते हुए देखने को मिला। यानी कि 7500 का स्टॉक हमें यहाँ पे 3500 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिला, और फिर से इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आईटी सेक्टर में इस साल कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि इंटायर सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो आईटी सेक्टर में हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक है सब में हमें 20 से 30% के आसपास में इससे भी अधिक हमें गिरावट देखने को मिला है एवरी आईटी स्टॉक के शेयर में, जिसके वजह से इस स्टॉक में भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से यहां से काफी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो यहां पे हमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे पिछले 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहां पे 3% के अप्रोक्स में हमें यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहां पे देख सकते हो 30% से अभी का गिरावट जबरदस्त तरीके से हमें इस स्टॉक में यहां से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में है। दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में अभी भी हमें इस स्टॉक में यहां पे 11% से अभी का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में। और इस स्टॉक में हमें यहां से जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है, दोस्तों हमें फिलहाल खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें 7500 रुपये के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। पिछले 5 ईयर के इसका प्राइस का ग्राफ की बात करेंगे, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने एवरी ईयर अभी भी हमें इस स्टॉक में 100% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। और इसका प्राइस का ग्राफ भी देख के हमें समझना चाहिए, स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है, और फ्यूचर में भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। सबसे अधिक दिनों के इसके प्राइस के ग्राफ की बात करेंगे, तो यहाँ पे 500% से अभी का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो, स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक जैकपॉट है। अगले 3 से 4 साल में इसका प्राइस हमें 10,000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं LTI के रिगार्डिंग, स्टॉक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हो 24% के आसपास का डिलीवरी का पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी फिगर अपने आप में काफी अच्छा खासा है। दोस्तों हम बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 3700 रुपये के आसपास में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है इस साल, जो कि पिछले साल यानी कि इसी साल के स्टार्टिंग में शुरुआत में हमें 7500 का प्राइस इसका हमें देखने को मिला था। और इस साल कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से अभी तक इस स्टॉक ने गिरावट शो किया है, जो कि आप लोग के सामने में है। दोस्तों हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट हमें काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 74% से अबव का होल्डिंग है, जो कि ये भी फिगर काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रमोटर का शेयर यहाँ पे प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें जिस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है, ये भी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस का फिगर है, और एवरी ईयर काफी इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें 0 फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, दोस्तों तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल 0 फिगर देखने को मिल रहा है, यानी कि 100% कंपनी डेब्ट फ्री भी है।
दोस्तों आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक में आजकल काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। फिक्स एसेट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे हमें फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट एपिलाइजेशन का, तो यहां पे देख सकते हो हमें 75,000 प्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे सेक्टर के पीरिश्यू का, तो दोस्तों यहाँ पे 30 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिश्यू से इस स्टॉक का पीरिश्यू हमें काफी सिमिलर वे में देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, और इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हो इस साल का रेवेन्यू ग्राफ जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में देखने मिल रहा है। पिछले 5 ईयर का इसका रेवेन्यू ग्राफ है, और एवरी ईयर का ग्राफ यहाँ पे काफी इंक्रीमेंट के साथ में हमें देखने मिल रहा है। जो कि बात करेंगे दोस्तों नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे प्रॉफिट का ग्राफ भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से इसका हमें सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगले 3 से 4 साल में इसका प्राइस यहां से काफी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। यहां पे सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में भी काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहां पे क्वार्टर फोर्थ में देखने को मिल रहा है सेल्स का फिगर, जो कि आप लोगों के सामने में। दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में FII की होल्डिंग का, DII की होल्डिंग का, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहां पे भी हमें प्रमोटर का होल्डिंग 74% से अबव का देखने को मिल रहा है, जो कि FII की होल्डिंग यहां पे काफी स्ट्रांग है, और यहां पे DII की होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा है। सारा का सारा यहां पे हमें स्ट्रांग खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, यहाँ पे 8% के आसपास का ओनली हमें फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों बात करेंगे अगर यहां से इस स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें फिर से 3700 रुपए के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 7500 रुपए के भी क्रॉस करके हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।